रानी पद्मावती, जिसका नाम आप सबने इतिहास के पन्ने में बहुत बार सुना होगा, फिल्म भी देखी होंगी, रानी पद्मावती का जिक्र करूंगी और वीडियो पूरी जरूर सुनना मेरे बाण भाइयों। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की नजर जब रानी पद्मावती के रूप पे जावे है तो उसका कायल हो जावे है। सोचे है इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर जिस्म, कायल हो जावे वो उसका। सोचे मने किसे भी हाल में रानी चाहिए। और राजा रतन सिंह जो रानी के पति थे, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध शुरू हो जावे सिर्फ पद्मावती को पाने के लिए। और आखिर में आर हो वह राजा रतन सिंह की, और जब रतन सिंह की मौत हो वह तो रानी अंदर तक टूट जाए। सोचे है मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए अपने आप पे ने 16,000 दासियों के साथ जोहर कर ले वह, यानी अग्नि को समर्पित कर दे अपना आपा। ये जो वृक्ष पीपल का पेड़ आप देख रहे हो भाइयों, या वही जगह है और यही वो पेड़ है जित रानी पद्मावती ने जोहर कराया था, यानी अग्नि में जिंदा जड़ गई थी 16,000 दासियों के साथ। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बिल्कुल सामने ये वृक्ष है और यही वो जोहर कुंड है। क्यों बलिदान दिया, क्यों जोहर कराया, के जरूरत थी, पति चले गए थे, मर गए थे, राजा के साथ ऐश कर सके थी चांदी तो, लेकिन इस देश की आन बान शान की खातर, राजस्थान की शान खातर अपना बलिदान कर दिया, बलिदान कर दिया। ते कहीं वो अलाउद्दीन खिलजी उसके चरित्र पे, उसके जिस्म पे हाथ नहीं ला दे, इसलिए अपना पागनी में जोक दिया। सिर्फ उसने नहीं, 16,000 दासियों ने, कितनी और जो बेचारी अपने आप पे ने जोहर नहीं कर सकी, जिंदा ने जड़ा पाई, उन्हें जहर पी लिया, बहुत सारी छोटी छोटी बच्ची जो पानी में डूब के मर गई, उनकी माया ने धकेल दी, कितना सारा और कितना बड़ा बलिदान। त्याग की मूर्त, त्याग की मूर्त, भक्ति की मूर्त, शक्ति की मूर्त, यो किला चित्तौड़गढ़ का, यो किला आप देख रहे हो भाइयों, सिर्फ इस अपनी इज्जत बचाने की खातिर कितनी वे वीरांगना होया कर दी ना, अपने आप ने खत्म कर लिया कर दी, शहीद हो जाया कर दी। और आजकल जो मेरी बाण है, देखो मैं सब ते नहीं कह रही, या जो मैंने कहानी बताई है ना, इसका मोरल सिर्फ यो है, अपनी छोटी बाणा ने अपने भाइयों ने समझाने की खातर बहुत सारी बाण ऐसी हो जो अपने माँ बाप के संस्कार ने ठुकरा के, उनके लात मार के, अपने बाप की पगड़ी के लात मार के अपने जिस्म ने बेच दे हैं, रूप ने बेच दे हैं, कितनी गलत बात है ना। एक वह वीरांगना थी झांसी की रानी वर्गी, पद्मावती वर्गी, नीरा आर्या वर्गी, क्यों ने अपना बलिदान कर दिया, अपनी जान दे दी, अग्नि में जिंदा जल गई, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेची, अपने संस्कार नहीं बेचे। और कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां आजकल कितना कुछ गलत कर रही है ना, ये माँ बाप के संस्कार व इज्जत सब कुछ मिल जाएगा, इज्जत नहीं आया कर दी। तो मेरी बाणो, अपनी इज्जत का ख्याल रखो और अपना नाम अमर करके जाओ। सुंदरता शरीर और चेहरे से नहीं, सुंदरता कर्मा तो व्याग्रह। और जो जोहर कुंड है ना, ये जो आप देख रहे हो जगह जगह ये जो बना रखे हैं, 11 का दिन था जब पद्मावती ने अपना समर्पण कराया, होली के 10 दिन बाद 11 थी, और हर 11 ने इब भी आड़े अवन हुआ है।